रहमानिर्रहीम, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पैथोलॉजी 2018 के एमसीक्यूज। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू दिया हुआ है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्सेंटिन है जिससे हम एक्यूट इन्फेक्शन को कम्बैट करने में हमें हेल्प करती है, वो एफसी पोर्शन होता है आपकी आईजीजी का, जिसको हम C3BB कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट C3B के अंदर जो एफसी पोर्शन होता है आईजीजी का, वो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है कम्बैटिंग एक्यूट इन्फेक्शन के लिए। सेकेंड दिया हुआ जो कॉकेशंस के अंदर जो ब्लड ग्रुप की परसेंटेज है, ओ ब्लड ग्रुप की परसेंटेज, वो 47% है। कॉकेशंस के अंदर जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो 47% होता है। GFR इंक्रीज हो जाता है जब आपके एफरेंट आर्टीरियोल डायलेट होते हैं, ठीक है। एफरेंट आर्टीरियोलर डायलेशन से आपका GFR ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर बताया अभी कि GFR आपका इंक्रीज कर जाता है जब आपके एफरेंट आर्टीरियोल डायलेट करते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं और आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाती हैं, तो GFR ज़्यादा हो जाता है। और GFR कम हो जाता है जब आपके एफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, इफरेंट आर्टीरियोल डायलेट कर जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स आपकी ज़्यादा हो जाती हैं। और जब यूरेटर कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो भी आपका GFR कम हो जाता है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है इनका इन्वर्स रिलेशन है GFR के साथ। प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा होंगी तो GFR कम होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होंगी तो GFR ज़्यादा होगा। एक पेशेंट है, उसके पाँव के ऊपर एक नॉन हीलिंग अल्सर डेवलप हो गया फुट के ऊपर, तो करेक्ट इसका यह होगा न्यूरोपैथी और एंजियोपैथी की वजह से उसको नॉन हीलिंग अल्सर डेवलप हो गया उसके फुट के ऊपर। अब एक पेशेंट आया, उसको एनीमिया है, उसका रिस्ट ड्रॉप हुआ हुआ है, कॉन्स्टिपेशन है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमें मिल रही है, साथ हमें बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिल रही है, तो ये लेड की पॉइजनिंग की वजह से होती है। जो बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है वो करेक्टरिस्टिक होती है लेड पॉइजनिंग की। रॉक क्रशर्स के अंदर सिलिकोसिस डेवलप हो जाती है, फार्मर्स लंग ग्रेन्स डस्ट की वजह से होता है। एक बच्चा आया, उसको पेरी ऑर्बिटल एडीमा है, साथ उसको जनरलाइज्ड एडीमा भी है, तो ये हाइपो एल्बुमिनीमिया की वजह से होता है। जब आपके ब्लड के अंदर एल्बुमिन के लेवल कम हो जाते हैं तो बच्चों को पेरी ऑर्बिटल एडीमा और जनरलाइज्ड एडीमा डेवलप हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज जिसकी वजह से नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा होता है वो एब्स्टेन बार वायरस है। जो नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा होता है वो एब्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है, और जो ऑरल कार्सिनोमा होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और जो लंग कैंसर होता है वो मेगैलो वायरस की वजह से होता है। प्रेग्नेंट फीमेल थी, उसको ओपीडी में लेके आए, उसको 104 बुखार हुआ है पिछले 4 दिनों से, और उसने कोई मेडिसिन भी नहीं ली है, और 12 घंटे के बाद उसको कोला कलर उसका यूरिन आना स्टार्ट हो गया, तो लाइकली कॉज क्या होगी, ब्लैक वाटर फीवर है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होता है हाइपोग्लाइसीमिया से। जब आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं तो ग्रोथ हार्मोन आपका ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। और सेकंड पे आपका एक्सरसाइज, और थर्ड पे नॉन रेम स्लीप के अंदर। तो सबसे ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, सेकंड पे आपके एक्सरसाइज के अंदर आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, और थर्ड पे आपके नॉन रेम स्लीप के अंदर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करता है। अब कौन सा ऐसा ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये ट्यूमर सप्रेसर DNA रिपेयर जीन है। जो P53 होता है वो ट्यूमर सप्रेसर या DNA रिपेयर जीन है। हिस्टोप्लाज्मोसिस मोस्ट कॉमनली आपके रेटिकुलो एंडोथीरियल सिस्टम को अफेक्ट करती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस सबसे ज़्यादा आपके रेटिकुलो एंडोथीरियल सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। अब एक पेशेंट आया, उसको खांसी है, कफ है, कोराइजा है, कंजक्टिवाइटिस है, साथ आपको कॉप्लिक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं। जो ऑर्गेनिज्म ये हमें प्रेजेंटेशन कराता है वो पैरामाइक्सो वायरसेस के अंदर आता है। पैरामाइक्सो वायरसेस के अंदर आपकी मीजल्स आती है, और ये मीजल्स की ही कंडीशन बताई हुई है जिसमें आपको कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस जाते हैं, कॉप्लिक स्पॉट्स मिलते हैं। पेशेंट को जो है वो पैरामाइक्सो वायरसेस ने इन्फेक्ट किया है। पैरामाइक्सो वायरसेस के अंदर आपका मीजल्स आता है, पैरइन्फ्लुएंजा आता है, मम्प्स आता है, रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरसेस आते हैं, और ऑर्डोमाइक्सो वायरसेस के अंदर आपका इन्फ्लुएंजा वायरस आता है, ठीक है। तो पैरामाइक्सो वायरसेस के अंदर मीजल्स आता है, पैरइन्फ्लुएंजा वायरस आता है, मम्प्स आता है, और रिस्पायरेटरी सिंसिटियल वायरस आता है। लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि एक 45-year-old फीमेल थी, प्रेजेंट किया हिर्सोटिज्म के साथ बॉडी के ऊपर, और अब वो अपने हाथ नहीं दिखा पा रही है फिजिशियन को, क्योंकि उसके हाथों पे बहुत ज़्यादा बाल हैं। तो जो कॉज होगी वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होंगी, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं जब हिर्सोटिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक फीमेल बॉडी के अंदर। लेकिन अगर एक ऐसी फीमेल है जिसको ओबेसिटी है, हिर्सोटिज्म, और साथ उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होगी। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, जिस्म पे बाल ज़्यादा होते हैं, और पेशेंट जो होती है वो ओबीज होती है। लाइकली कॉज क्या होती है गैस्ट्रिक लिम्फोमा की, उन पेशेंट्स के अंदर जो बहुत अरसे से एंटासिड्स ले रहे होते हैं स्टमक पेन के लिए, उनके अंदर एच पायलोरी की इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। जो बहुत अरसे तक एंटासिड्स लेते हैं तो एच पायलोरी की इन्फेक्शन की वजह से उनको गैस्ट्रिक लिम्फोमा डेवलप हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं एंटासिड्स का। अब इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि एक्स लिंक रिसेसिव है और साथ आपके डिस्ट्रोफिन जीन के डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है? तो डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपके डिस्ट्रोफिन जीन के डिफेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है, और ये एक्स लिंक रिसेसिव है। HIV का कन्फर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट होता है। अब एक पेशेंट है, उसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, और साथ आपको टारगेट सेल्स नजर आ रहे हैं, तो थैलेसीमिया होगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर भी हमें टारगेट सेल्स नजर आते हैं, और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा और थैलेसीमिया, लेकिन थैलेसीमिया जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। डिस्प्लेसिया के अंदर आपके सेल्स की पोलैरिटी लॉस हो जाती है। ट्रू हर्मेफ्रोडाइट आपका XY होता है।
हर्मेफ्रोडाइट का बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा जो हर्मेफ्रोडाइट होती है ना वो आपके ट्रू हर्मेफ्रोडाइट के अंदर, सबसे पहले आपने डबल एक्स को क्रैक करना है। अगर डबल एक्स की ऑप्शन नहीं देनी तो आप डबल एक्स स्लैश एक्स वाई को क्रैक करोगे, ठीक है। तो इसलिए हमने एक्स वाई को लिया और लास्ट पर आपने डबल एक्स वाई को करना होता है। ट्रिप्सिनोजिन की सिक्रीशन के बाद आपके ड्यूडेनम के अंदर ये एंजाइम कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव फॉर्म के अंदर, जो ट्रिप्सिन जो है ना एंटेरोपेप्टाइडेज से, ठीक है। जो सिक्रीशन है ट्रिप्सिनोजिन की जो आपके ड्यूडेनम के अंदर होती है, जो एंजाइम अपनी ट्रिप्सिन या एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी, तो एंटेरोपेप्टाइडेजेस ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। एंटेरोपेप्टाइडेजेस ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। हेयरी सेल ल्यूकीमिया मैसिव स्प्लीनोमेगैली की एग्जाम्पल है। थर्ड फ्रिंजल आर्च का डेरिवेटिव होता है स्टाइलोफ्रिंजियस मसल। स्टाइलोफ्रिंजियस मसल आपके थर्ड फ्रिंजल आर्च का डेरिवेटिव है। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि डीप पेरोटिड फेशिया से बनता है? तो स्टाइलो मैंडिबुलर लिगमेंट डीप पेरोटिड फेशिया से बनता है, और जो स्टाइलोफ्रिंजियस मसल है वो थर्ड फ्रिंजल आर्च का डेरिवेटिव है। 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉक था, आपने उसको हेड ऑफ द पेशेंट के ऊपर रखा, तो कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्विंग? पैक्सिनियन रिसेप्टर्स, ठीक है। जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है वो हमें पैक्सिनियन रिसेप्टर से आती है, पीएच से याद रख लो, और जो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होती है वो हमें मीजनर्स कार्पसल से हम डिटेक्ट करते हैं। अब एक 18 ईयर ओल्ड फीमेल थी, उसको मेनोरेजिया है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको ब्लीडिंग होती है, साथ उसको एपिस्टैक्सिस भी है, नोज ब्लीड भी हो रहा है, और उसके प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, और साथ आपको जॉइंट प्लेटलेट्स नजर आ रही हैं। अगर तो प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो और साथ आपको जॉइंट प्लेटलेट्स नजर आएँ, तो इसका मतलब है कि ITP है, ठीक है। और ITP में क्या होता है कि यूजुअली उसने कोई ना कोई वैक्सीन ली भी होती है, और प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है, और साथ हमें जॉइंट प्लेटलेट्स नजर आते हैं। बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम के अंदर और ITP के अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम होता है इसमें भी हमें जॉइंट प्लेटलेट्स नजर आते हैं, लेकिन प्लेटलेट काउंट आपका या तो थोड़ा बहुत लो होगा या नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है, और आपको ग्लाइकोप्रोटीन 1B का डिफेक्ट होता है बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम के अंदर। लेकिन जो ITP थी उसके अंदर प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। जो ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्टीनिया होता है, ग्लैंड्स थ्रोम्बस्टीनिया एक कॉन्जेनिटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके प्लेटलेट इंटेग्रिन अल्फा 2 बीटा 3 की डेफिशिएंसी होती है। ये जो इंटेग्रिन होती हैं वो प्लेटलेट फाइब्रिनोजन रिसेप्टर होती हैं, और ये एसेंशियल होती हैं प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन के लिए और हीमोस्टेसिस के लिए, ठीक है। जो ग्लैंड्समैन थ्रोम्बस्टीनिया है वो एक कॉन्जेनिटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें आपके प्लेटलेट इंटेग्रिन अल्फा टू बीटा थ्री की डेफिशिएंसी होती है, और ये जो इंटेग्रिन्स होती हैं ये प्लेटलेट फाइब्रिनोजन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन के लिए और प्लेटलेट्स की हीमोस्टेसिस के लिए। अब एक प्राइमरी ग्रेविडा वमेन थी, उसके सर में दर्द हो रहा है, और उसकी बॉडी स्किन के ऊपर आपको ब्लू कलर के स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, और साथ हमें शिस्टियोसाइट्स नजर आ रहे हैं पेरिफेरल फिल्म के ऊपर, तो ये हेल्प सिंड्रोम डेवलप हो गया है। प्राइमरी ग्रेविडा को मतलब फर्स्ट टाइम वो प्रेग्नेंट हुई है, अगर उसको सर में दर्द हो और बॉडी के ऊपर आपको ब्लू कलर के स्पॉट्स नजर आना स्टार्ट हो गए हैं, पेरिफेरल फिल्म के ऊपर आपको शिस्टियोसाइट्स नजर आ रहे हैं, तो उसको हेल्प सिंड्रोम डेवलप हो गया। स्टैफलोकोकस ऑरियस आपका कॉगलेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। स्टैफ ऑरियस आपका कॉगलेज पॉजिटिव होता है एक ड्रग जो कि साइक्लिक एमपी को इनहिबिट करती है, और इसके बेनिफिशियल होती है माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए। विब्रियो कॉलरा क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजीस एक्ट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग लेसिथनेसिस, ठीक है। तो जो विब्रियो कॉलरा है और जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजीस होते हैं वो लेसिथनेस प्रोड्यूस करके काम करते हैं। विब्रियो कॉलरा आपके अल्कलाइन मीडियम के अंदर ग्रो करता है, ये बात याद रखनी है कि विब्रियो कॉलरा अल्कलाइन मीडियम के अंदर ग्रो करता है। जो मोस्ट प्रोमिनेंट टॉक्सिन है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का वो उसका कैप्स्यूल के अंदर होता है जिसमें आपके न्यूमोलाइजेंस आते हैं। न्यूमोलाइजेंस सबसे ज़्यादा पोटेंट है और सेकेंड पे इसका कैप्स्यूल, ठीक है। तो जो मोस्ट पोटेंट टॉक्सिन है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया का वो इसका कैप्स्यूल होता है, और सबसे ज़्यादा इसका न्यूमोलाइजिन पोटेंट है। अब एक यंग मैन था, उसको एप्लास्टिक नीमिया है, उसको आपने एंटी लिम्फोसाइट ग्लोबुलिंस दी और उसकी कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। एक हफ्ते के बाद उसको फीवर डेवलप हो गया है, अर्टिकेरिया डेवलप हो गया, आर्थ्रेल्जिया हो गया, जॉइंट पेन हो रहा है, और उसके पूरे बॉडी के लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो गए हैं 1 वीक के बाद। तो जो रिएक्शन होगा ये होगी क्या होगी, Type 3 हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो गई है। पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस बैक्टीरियोइडीज की वजह से होता है, ये पहले भी MCQ आया हुआ है कि जब आपने एसाइटिक टैप करोगे तो नॉर्मली आपको ईकोलाई मिलता है। पेरिटोनाइटिस भी ईकोलाई की वजह से होता है, लेकिन जो पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस होता है वो बैक्टीरियोइडीज की वजह से होता है, और जो प्यूपरल सेप्सिस होती है वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होती है, सेकंड पे ईकोलाई और लास्ट पे बैक्टीरियोइडीज, ठीक है। जो पायोजेनिक बैक्टीरियोइटिस है वो आपको पायोजेनिक बैक्टीरियोइटिस बैक्टीरियोइडीज की वजह से होता है, और वैसे जो पेरिटोनाइटिस होता है वो ईकोलाई की वजह से होता है, और प्यूपरल सेप्सिस में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, सेकंड पे ईकोलाई एंड लास्ट पे बैक्टीरियोइडीज। मोस्ट कॉमन कॉज जिससे पायोजेनिक लंग एप्सिस होती है वो स्टैफ ऑरियस है।
स्टैफोरिस की वजह से आपको पायजेनिक लंग एब्सेस डेवलप हो जाती है मोस्ट कॉमनली। अब एक 67 ये ओल्ड मैन था, प्रेजेंट किया है, उसको कफ है पिछले 7 दिनों से और उसको थिक येलो म्यूकॉइड स्पूटम आ रहा है। तो जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा वो स्टैफोरिस इन्वॉल्व होगा, ठीक है। कि जो स्टैफोरिस होता है अगर थिक म्यूकॉइड येलो कलर का स्पूटम हो तो इसका मतलब है कि स्टैफोरिस इन्वॉल्व है। स्टैफोरिस का येलो कलर का स्पूटम होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का ब्राउन रस्टी स्पूटम होता है, और जो क्लेबशियाला होता है इसका क्रॉन जेली म्यूकॉइड स्पूटम होता है। अब एक ओल्ड एज मैन है, उसको फटीक हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी नहीं है फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। उसका MCV 89 है, मीन कार्पस क्लो वॉल्यूम 89 है, सेगमेंटेड सेल्स नजर आ रही हैं, बैंड सेल्स नजर आ रहे हैं और मेटामाइलोसाइट्स नजर आ रहे हैं। तो ग्रुप डायग्नोसिस होगी क्रॉनिक माइलोइलीकीमिया, ठीक है। उसमें सेगमेंटेड सेल्स नजर आ रहे हैं हमें, बैंड सेल्स नजर आ रहे हैं और मेटामाइलोसाइट्स नजर आ रहे हैं। मेटामाइलोसाइट्स हमें बता रहे हैं कि उसको क्रॉनिक माइलोइलीकीमिया, और ये ज़्यादातर ओल्ड एज के अंदर ही होता है। अब एक प्रेग्नेंट लेडी थी, प्रेजेंट की है कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था। कौन से फीचर्स हैं जो हम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कंफर्म करेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को? तो गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसरेज जो होता है GGT हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में बताता है। अगर आपको वायरल हेपेटाइटिस होगा तो आपके एलेनिन ट्रांसमिनेज ज़्यादा होगा, अगर ड्रग्स की वजह से होगा तो भी आपका ALT ज़्यादा होगा। लेकिन जो अल्कोहलिक होता है इसमें ऑपोजिट होता है, इसमें अल्कोहलिक वाले पेशेंट्स के अंदर AST ज़्यादा होता है, नॉन अल्कोहलिक के अंदर भी ALT ज़्यादा होगा। जो नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस होती है, फाइब्रोसिस होती है, उसके अंदर भी आपका AST ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अल्कोहलिक के अंदर एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज ज़्यादा है, और जो नॉन अल्कोहलिक के अंदर अगर सिरोसिस डेवलप होगी तो उनका AST ज़्यादा होगा। अगर तो कोलेस्टेसिस हो रही है, साथ आपको बोन डिजीज़ भी है, तो आपका ALP ज़्यादा हो जाता है। कोलेस्टेसिस के अंदर और बोन डिजीज़ के अंदर आपका ALP ज़्यादा हो जाता है। हिपैटोबिलरी के अंदर आपका ALP और गैमाग्लूटामाइल ट्रांसफरेज दोनों ज़्यादा हो जाते हैं। लिवर डिजीज़ और साथ अगर आपको प्रेगनेंसी हो तो आपने हमेशा GGT को चेक करना होता है। अगर तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने लिवर डिजीज़ को चेक करना है तो आपने गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज को चेक करना है। जो कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है वो बिलरी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम या फिर रॉटर सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। जो अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है वो उसमें है कि आपके लिवर से पहले ही प्रॉब्लम होगी, कि इसमें क्या होगा कि हिमोलिसिस की वजह से न्यू बॉर्न बेबीज़ के अंदर हो सकता है, क्लिगर-नजर सिंड्रोम के अंदर, गिल्बर्ट सिंड्रोम के अंदर। और जो मिक्स्ड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है वो हेपेटाइटिस और सिरोसिस में होता है। अब एक 11 मंथ ओल्ड इन्फेंट था, उसको अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शंस हो रही हैं और सिंस द टाइम ऑफ बर्थ से। अब उसको न्यूमोसिस्टिस जेरोविकाई और न्यूमोसिडोमोनास एरिजिनोजा उसके आइडेंटिफाई किए। ऑर्गेनिजम्स उसको ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस भी है, बच्चा जो उसको साइटोमेगालोवायरस भी है, न्यूमोनाइटिस भी डेवलप हो गए। जब आपने थायमस की ऑटोप्सी की तो हमें नजर आया कि उसके जो है वो हाइपोप्लास्टिक उसका थायमस था, लिम्फ नोड जो थे वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर बहुत छोटे थे, जर्मिनल सेंटर भी प्रेजेंट नहीं थे, और मैकेनिज्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह में, तो एडिनोसिन डीएमएनएज की डेफिशिएंसी के अंदर ये वाली पिक्चर आती है। उसके बाद एक सबमेंटल और सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो ड्रेन करते हैं, सबमेंटल और सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स ड्रेन करते हैं आपके लोअर लिप को, ठीक है। जो सबमेंटल और सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं वो आपके लोअर लिप को ड्रेन करते हैं। और उसके बाद वन विद द मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऑफ द रेडियस, ठीक है, फीमर विद द पल्स, ठीक है, उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं रेडियस का और फीमर का, पल्स उसकी ज़्यादा हुई हुई है, ब्लड प्रेशर उसका लो हो रहा है, तो सबसे पहले आपने उसकी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है। अगर मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ कोई भी पेशेंट आएगा तो सबसे पहले आपने उसकी फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है। थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंट लेडी थी, उसकी कार्डिक आउटपुट जो है वो लेफ्ट लैटरल पोजीशन के अंदर उसका कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो गया है लेफ्ट लैटरल पोजीशन के अंदर, ताकि हम अवॉइड कर सकें एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स के कंप्रेशन को, ठीक है। तो इन्फ्रा वेना कैवा जो होती है बेसिकली आपके राइट साइड के ऊपर इन्फ्रा वेना कैवा होती है, तो उसका कंप्रेशन ना हो इसलिए हम थर्ड ट्राइमेस्टर में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको हम कहते हैं कि वो लेफ्ट लैटरल पोजीशन के अंदर लेटेगी, ताकि उसका जो है वो इन्फ्रा वेना कैवा का कंप्रेशन ना हो। जो कॉमन कॉज है फैटी लिवर की पाकिस्तान के अंदर वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है। पाकिस्तान के अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस हमें इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस के अंदर मिलती है, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइटोसिस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस में मिलती है। अब एक एबनॉर्मली टॉल बॉय था, 14 ईयर्स उसकी एज थी, और उसके मेमोरी ग्लैंड से भी सिक्रीशन हो रही है, एक्सरे के ऊपर उसका पिट्यूटरी ग्लैंड एनलार्ज हुआ है और हिस्टोलॉजी पिट्यूटरी ग्लैंड की शो करती है। अब एक उसको क्या होगा, उसके इयोसिनोफिल्स का लेवल जो है वो इंक्रीज नंबर हो जाएगा इयोसिनोफिल्स का उसके पिट्यूटरी ग्लैंड की जब हम हिस्टोलॉजी कराते हैं। जो एसिडोफिल्स होते हैं वो हमें प्रोलैक्टिनोमा के अंदर मिलते हैं और ये एसिडोफिलिक होते हैं। जो पिंक एसिडोफिल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को और प्रोलैक्टिन को, और जो डार्क पर्पल आपके बेसोफिल्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन को, जिसको हम ACTH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और गोनाडोट्रोपिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH और LH को।
जो पेल स्टेनिंग क्रोमोफोब्स होते हैं इनके अंदर इनकी फ्यू साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये इनकी सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है, ठीक है। क्रोमोफोब्स के अंदर जो है ना वो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं लेकिन इनकी सिक्रेटरी एक्टिविटी भी होती है। विप लाइक एक्टिविटी आपके सीलिया के अंदर होती है फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब्स के सीलिया के अंदर विप लाइक एक्टिविटी होती है। एक 6 साल का बच्चा था, उसका गला खराब हुआ है, बुखार हो गया, माइक्रोबायोलॉजी जब आपने रिव्यू कराया तो उसका कंप्लीट हिमोलिसिस हमें नजर आ रही है शीप ब्लड एगर पे। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, कि जो उसका शीप ब्लड एगर था उसके ऊपर हमें जो है कंप्लीट हिमोलिसिस नजर आई है, तो इसको ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन है। जो बीटा हिमोलिसिस होती है ना, इसमें 3 तरह से होती है, एक बीटा हिमोलिसिस होती है, एक अल्फा हिमोलिसिस होती है, एक गामा हिमोलिसिस होती है। जो बीटा हिमोलिसिस होती है इसका मतलब है कि कंप्लीट हिमोलिसिस है और ये बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर होती है। इसमें आपको क्लियर जोन्स नजर आते हैं कॉलोनीज के अराउंड और ये ग्रुप ए और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर हमें बीटा हिमोलिसिस नजर आती है। जो ग्रुप ए और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं दोनों ही बीटा हेमोलिटिक होते हैं, कंप्लीट हिमोलिसिस शो करते हैं। इसी तरह से जो अल्फा हिमोलिसिस होती है इसमें पार्शियल हिमोलिसिस होती है और इसमें आपको ग्रीन कलर का जोन नजर आता है कॉलोनीज के अराउंड, ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया शो करता है। जो गैमा हिमोलिसिस होती है इसमें हमें कोई आरबीसीज का डैमेज नहीं होता है और ये हमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स और ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकाई आपके गैमा हिमोलिसिस को शो करते हैं। और रॉड्स अगर पॉजिटिव हैं और सी कौन सा सीडी पॉजिटिव होगा, CD33 पॉजिटिव होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर ही हमें और रॉड्स मिलते हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम आपके नेजोफेरिंक्स के अंदर होता है, ठीक है। जो एंडोस्कोप की स्टेरिलाइजेशन है वो टिंडलाइजेशन से हम करते हैं, ठीक है। और जो नेजोफेरिंक्स होता है उसमें आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम होता है। नेजोफेरिंक्स में आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है। ड्रग ऑफ चॉइस जो हम यूज़ करते हैं टीनिया सोलियम और शिस्टोसोमा इन्फेक्शन के लिए वो प्राजिक्वेंटल होती है। नाइक्लोसामाइड भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो टीनिया सोलियम और शिस्टोसोमा के इन्फेक्शन के लिए हम प्राजिक्वेंटल को यूज़ करते हैं। टीनिया सोलियम के लिए और शिस्टोसोमा के लिए हम प्राजिक्वेंटल को यूज़ करते हैं। न्यूक्लियस एम्बिगुअस आपके मेडुला के अंदर लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस मेडुला के अंदर लोकेटेड है। न्यूक्लियस नॉट इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल इज फेशियल, ठीक है। फेशियल का जो न्यूक्लियस होता है आपके फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में नहीं होता है। इवन नंबर्स जो होते हैं ना, रिमेंबर इवन नंबर 6, 8, 10, 12 आर इन द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। जो फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है उसके अंदर आपके 6, 8, 10, 12, ठीक है, 6, 8, 10, 12, ये चार आपकी नर्व्स के न्यूक्लियस जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में होते हैं। फेशियल नर्व का न्यूक्लियस आपके फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर में नहीं होता है। पर्सनैलिटी ए पीपल है उसको जो है हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उसके हार्ट के ऊपर क्योंकि कम्पिटिटिव ड्राइव होती है, ठीक है। जो पर्सनैलिटी ए वाले पेशेंट्स होते हैं उनके हार्ट के ऊपर जो है नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं क्योंकि कम्पिटिटिव ड्राइव होती है। रेड जीन की म्यूटेशन एसोसिएटेड होती है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायरॉइड के साथ, ठीक है। म्यूटेशन होती हैं आपके रेड जीन के अंदर मेडुलरी कार्सिनोमा के अंदर और म्यूटेशन होती हैं आपके रास जीन के अंदर जो फॉस्फेटाइडल इनोसिटोल 3 पाथवे होता है और AKT पाथवे के अंदर आपके फॉलिकुलर कार्सिनोमा के अंदर। प्रोटीन्स जो कि 70 kg मैन के अंदर रिक्वायर्ड होती है और 56 grams, ठीक है। एक 70 kg का अगर पर्सन है तो उसको जो प्रोटीन्स चाहिए वो 56 grams चाहिए होती हैं। 70 kg मैन को 56 grams प्रोटीन चाहिए होती हैं। कशिंग रिफ्लेक्स के अंदर आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ब्रेडीकार्डिया होता है और आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है।